सवाल उठने लगे हैं और अब सवाल रोहित शर्मा पर भी उठने लगे हैं और डिमांड होने लगी है कि या तो केएल राहुल को आप वापस लेकर आइए या तो फिर मयंक अग्रवाल, जिनका एवरेज लगभग 100 का है, भारत में टेस्ट मैच जब भी वो खेलते हैं 100 का एवरेज है उनका, उस बल्लेबाज को वापस लाना चाहिए। ट्विटर पर आप उठाकर देखेंगे और हैशटैग इंडिया वर्सेज इंग्लैंड डालेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स मिल जाएंगे जो ये डिमांड कर रहे हैं कि रोहित शर्मा को लगता है कि वनडे और टी20 के फॉर्मेट के लिए ही बचा कर रखना चाहिए। टेस्ट मैच में उनमें वो दम नज़र नहीं आ रहा है, इंग्लैंड में भी वो जो दो टेस्ट मैच खेले उसमें कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और यहाँ पर भी जो टेस्ट मैच खेला पिछली 8 इनिंग में बहुत बुरी तरीके से फेल रहे हैं रोहित शर्मा, और सिर्फ पिछली 8 इनिंग में 150 ठोक पाए हैं, बाकी 7 इनिंग में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। इस वजह से रोहित शर्मा को बाहर करने की मांग होने लगी है और केएल राहुल या फिर मयंक अग्रवाल को उनके जगह पर खिलाने की डिमांड होने लगी है। केएल राहुल जो कि लगातार अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में हैं और लगातार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं टीम इंडिया के टेस्ट टीम का भी कि उनको मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मयंक अग्रवाल जो कि शानदार उनका रिकॉर्ड है भारत में, जब भी वो खेलते हैं भारत में अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें उनका जो एवरेज रहा है वो 99.95 का रहा है, यानी कि ये मान लीजिए सैकड़ा, हर बार जब भी वो आउट होते हैं उससे पहले 100 रन तो बना ही देते हैं। तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाने की मांग हो रही है, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी